गाइस हम लोग लगाए थे कॉलेज।
जो केबिन था वो अंदर चले गए हैं। ये देखो इसको हम लोग डिजाइन डलवा दिए हैं सामने में कुछ पकड़ने के लिए। इसको अभी अच्छे से टाइट करेंगे तो फिर ये टाइट हो जाएगा। अभी बज रहा है, इसको अभी निकाल के पेंट वेंट करना है। गाड़ी को भी पेंट करवाना है, ये वाले डाला को पूरा यही कलर में। ये देखो क्रीम जो कलर है इसी में, इसको भी पेंट करवाना है पूरा डाले को। पहले तो चद्दर निकालेंगे, ये वाला जो चद्दर है इसको पूरा निकालेंगे, इधर का भी चद्दर निकालेंगे, इधर का चद्दर निकालेंगे पूरा। उसके बाद इसको पूरा अच्छे से पेंट करेंगे तब अच्छा लगेगा। और एक गाड़ी हम लोगों का उधर है, बाकी इधर। अभी चलते हैं नीचे। तो अभी हम लोग आ गए हैं नीचे और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें पूरा मैट लगवाऊँ। ये देखो ग्रीन मैट लगवाएंगे, इधर भी ग्रीन मैट लगवाएंगे, इधर भी, और ये सीट वगैरह में कवर वगैरह वगैरह डलवाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा हम लोगों का गाड़ी। और बात करें इस सामने केबिन की, तो सामने जो केबिन है बहुत अच्छा बना है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग भी इससे अच्छा बनवा सकते हो, अगर आप बनवाना चाहते हो तो इससे भी अच्छा केबिन बनवा सकते हो आप बनवाना चाहते हो तो। और मैं जो बनवाया हूँ टॉप रखने के लिए, हर चीज़ सामान हम लोगों को रखते बन जाए ऐसा टाइप का बनवाया हूँ, कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यही है, 4,4545 रुपये का खर्चा हुआ है, आप भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से जब हम लोग उसको पेंट करेंगे, स्प्रे मशीन वगैरह में पेंट करेंगे तब अच्छा लगेगा, शाइनिंग आएगा। उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग से बनाऊंगा। ठीक है, क्या क्या मशीन लगता है, क्या क्या हम लोग पहले यूज़ कर रहे हैं, प्राइमर वगैरह क्या लगा रहे हैं, ये सारा चीज़ मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अपने पुराने गाड़ी को भी अच्छे से पेंट कर पाओगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं।